हम फिर से मौजूद है पर, जहां आपको टॉप क्लास फ्लोर मिल्क यानी आटा चक्की की मशीन देखने को मिलेगी अगर आप इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों मैं शिल्पी स्वागत हूँ कुछ नया सीखते हैं हेलो सर आप फिर स्वागत है हमारे चैनल पर सर आप हमारे बारे में पूरी जानकारी दीजिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा टेक्निकल लेडी यूट्यूब चैनल का स्वयं टेक्निकल लेडी का जो निरंतर ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पास लाते रहे हैं आइए देखते हैं आज जो प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं ये 225 सौ पच्चीस के जी पर आवर का इंडिपेंडेंट आटा चक्की मिनी प्लांट है जी हाँ दोस्तों जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बड़ा ही कारगर और मजबूत आटा चक्की प्लांट है जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं मात्र 15 हाउस पावर की एक मोटर से सारा प्लांट चलता है तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या क्या है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसकी क्लीनिंग मशीन के बारे में बताऊंगा आपको गेहूं साफ करना बहुत जरूरी है गेहूं की सफाई अगर बेहतरीन हो जाती है तो आटा चक्की आपकी बहुत ही बेहतरीन चलती है और आटा की क्वालिटी भी अच्छी आती है तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका रूला और झर्रा कहलाता है दोस्तों हिंदी में रूला झर्रा और अगर आप इंग्लिश में बात करें तो ग्रेडिंग एंड वीट क्रशर इसमें लगा हुआ है तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल इंप्योरिटी गेहूं में से बाहर कर देता है साथ में वीट क्रशर जो है आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका गेहूं का छिलका भी उतारता है और बहुत सारी इंप्योरिटीज को पाउडर फॉर्म में बाहर करके ब्लोअर और सक्शन के थ्रू बाहर कर देता है तो दोस्तों इस तरीके की क्लीनिंग मशीन के वीडियोज के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें तीन लेवल का आउटपुट है सबसे पहले तो जो मेन बड़ी इम्प्योरिटी है वो यहाँ से बाहर आ जाती है दलिया जैसी मुर्गी दाना जैसी छोटी इंप्योरिटी इधर से बाहर आ जाती है और दूसरी साइड से आपको यहाँ पे सारा घुन और धूल मिट्टी जैसा जो भी होता है वो बाहर आ जाता है वीट क्रशर अपना बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्तों अगर आप किसी और ग्रेन के लिए इस क्लीनिंग मशीन को यूज़ करना चाहते हैं मान लीजिए पैडी के लिए चावल के लिए मक्का के लिए तो भी आप कर सकते हैं इसमें रूले का बाईपास ऑप्शन दिया है हमने आप चाहें तो रूला हटा दें और से बाईपास कर सकते हैं अब ऑटोमेटिक बनाने के लिए इसमें एलिवेटर्स आते हैं दोस्तों ये एलिवेटर जो आप देख रहे हैं इससे आप झरने में सारा गेहूं सप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जब गेहूं फाइनल आउटपुट आपको यहां पे आ जाता है आउटपुट के बाद अगला एलिवेटर सेटअप करके आप उसको चक्की में दे सकते हैं तो आपने ये क्लीनिंग मशीन देखी अब इसके बाद जब माल यहाँ से निकल आता है बाहर तो आपका अगला एलिवेटर से हम माल चक्की में डालते हैं रही बात चक्की की दोस्तों बहुत मार्केट में चक्कियाँ बिकती हैं लेकिन चक्की मजबूत कैसे होती है वो मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ ये एक तो उसका फाउंडेशन जो होता है इसमें वजन कितना है ज़रूर जानिए कितने एमएम की प्लेट लगी है ये जानिए तो ये जो चक्की मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही मजबूत और बेहतरीन चक्की है जिसमें तैतीस बाई तीस इंची का हम पत्थर यूज करते हैं बारह एम एम की प्लेट है साथ में ही अच्छा वजन है मशीन में जो कि इसको स्टडी और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ये आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल जाता है सबसे पहला ऑप्शन जो होता है मोटराइज होता है दूसरा आप इसको काउंटर शाफ्ट के थ्रू भी चला सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया पूरा ही प्लांट 15 एच 960 आरपीएम की मोटर से आप रन कर सकते हैं इसमें और किसी मोटर की आवश्यकता नहीं है काउंटर शाफ्ट के थ्रू तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसमें ऑटो शट ऑफ फीचर हमने डाला है जिसमें जब भी कभी लाइट जाती है या किसी कारणवश प्लांट आप बंद करते हैं तो गेहूं जाता नहीं रहता चक्की में जिसकी वजह से जब चक्की बाद में चलती है तो लोडिंग ओवरलोडिंग की दिक्कत आती है तो यहाँ पे ऑटो शट ऑफ हो जाता है माल जाना बंद हो जाता है जिसकी वजह से आपकी चक्की पे लोड नहीं पड़ता मोटर पे लोड नहीं पड़ता तो यहाँ से सक्शन और ब्लोअर के थ्रू सीधा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रेडर सिस्टम में चला जाता है यहाँ पे आपको चोकर अलग करने का सिस्टम मिलता है जहाँ पे एयर लॉक आपको माल के उड़ने को लेके वहाँ पे रोक देता है माल नहीं उड़ता है आप चाहें तो छन्ने के थ्रू माल लें नहीं तो आप उसको हटा भी सकते हैं तो इसमें आपका जो भी सिस्टम है चोकर अलग कर देता है और ये आटा आपको डायरेक्ट कट्टे में पैकिंग की सुविधा दे देता है तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बड़ा ब्लोअर है मजबूत ब्लोअर है जो बहुत ही अच्छी सक्शन कैपेसिटी देता है आपको तो आप ये पूरा प्लांट मोटर से भी चला सकते हैं और काउंटर शाफ्ट के थ्रू भी चला सकते हैं इसके साथ आपको दो एलिवेटर्स हम लोग देते हैं पूरा प्लांट देते हैं इस प्लांट की जो कीमत है तीन लाख इकतालीस हज़ार से ये शुरू हो जाता है इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट कस्टमाइजेशन के मुताबिक आप रेट्स हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमारे सहायकों से ले सकते हैं बरेली आके ये प्लांट आप विजिट करके देख लीजिए किस तरीके की क्वालिटी हमने बनाई है पूरा ही एक चेसिस और एक फाउंडेशन में आपको बना के हम लोग देते हैं जो पूरा कॉम्पैक्ट पंद्रह बाई आठ फिट की जगह में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हाइट की रिक्वायरमेंट अगर 16 फिट है तो बहुत अच्छा है नहीं तो आपको ये 12 फिट में भी हम सेट करके दे देते हैं तो दोस्तों ये जो पूरा प्लांट मैंने आपको दिखाया इसमें काउंटर शाफ्ट और मोटर दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं जो ओवरऑल कैपेसिटी इसकी निकलती है वो 225 सौ पर आवर चक्की से निकलता है छन्ने के बाद आपको इतना मिल जाता है लेकिन जो इसमें ग्रेडर सिस्टम हम आपको दे रहे हैं ये 500 केजी पर आवर का है तो अगर आप डबल चक्की भी फ्यूचर में करते हो तो आप सेम ग्रेडर से वो चला सकते हो वही जो आपको क्लीनिंग मशीन हम लोग दे रहे हैं ये साढ़े किलो पर आवर तक आपको क्लीन करके दे सकती है तो अगर आपको इस तरीके का प्लांट लगाना है तो आप एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और कोई भी बैंक लोन करा रहे हैं जहां पे आपको इस तरीके के प्लांट की सारी जानकारी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग बहुत सारी बैंक के थ्रू काम करते हैं आपको अगर ऋण लेना है बैंक लोन लेना है किसी भी स्कीम के तहत तो आप हमारे सहायकों से बात कर सकते हैं हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और आपको प्रोसेसिंग में बहुत सारी हेल्प करेंगे एक और ज़रूरी बात दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट पे ज़्यादातर गवर्नमेंट की लोन स्कीम्स में एमएसएमई के अंतर्गत 35 परसेंट तक सब्सिडी आपको मिल रही है तो कोई भी अगर आप फ्लोर मिल हो राइस मिल हो ऑयल मिल हो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अगर लगाना चाह रहे हैं तो इस सब्सिडी के बारे में ज़रूर जानें अगर आप मान लीजिए साढ़े तीन से चार लाख रुपए भी लगाते हैं तो उसमें पैंतीस परसेंट आपको वापस आ जाता है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की और भी जानकारी के लिए बड़े प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट आपको चाहिए स्क्रीन के दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्वयं टेक्निकल लेडी से वार्तालाप करते रहिए ये भी आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोज़ निरंतर दिखाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जो बताएं अगर आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही मैं वीडियो अपने दोस्तों को पुराने शेयर करना ना भूलें आपको बहुत धन्यवाद जय हिंद